कैसा नंबर मिल रहा है बताओ नीतू। बहुत अच्छा नंबर मिला है मेरे को, मैं टॉप करूंगी पीछे। अरे अरे अरे, मैं क्या बताऊं, मैं पास हो। बहुत अच्छा लगा, एग्जाम था हॉर्टिकल्चर का। अच्छा, चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पेपर का दिन है और हमारे नैतिक भाई बाहर का माहौल देख कर आ रहे हैं अभी। कैसा है यार माहौल बाहर का? एकदम खतरनाक। खतरनाक माहौल है क्या? तो इधर हम बाकी अपने दोस्त लोग को देख ही लेते हैं कहाँ पास है वो लोग। तो यहाँ पर हमारे दोस्त लोग जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अरे भाई भाई साहब, लोचन सर मतलब पढ़ ही रहे हैं भाई साहब, दो शब्द बोल दीजिए लोचन सर। चलो चलो, पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। कैसे भाई प्रेम, कैसे यार, नहाए वहा नहीं हो का? अच्छा चलो चलो, सब लोग अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज के पास और आज परीक्षा का माहौल है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट लोग भी पहुंच चुके हैं। ज्योति मैम यहाँ पर है, नीतू मैम, कृष्णकांत सर यहाँ पर, बता सकते हैं आज पेपर के लिए कुछ? मैं तो पेपर दिलाने नहीं, मैं बारात आया हूँ, मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी। मैं अभी पता चला कि हॉर्टिकल्चर पेपर है। अच्छा, अच्छा। रिपोर्ट उपोर्ट को कौन पटेल बनाया है और पटेल मेरे रिपोर्ट दी, इसको लेके जाना। अरे, अरे। पता चला कि सरकारी हॉस्पिटल जा रहा हूँ बारात। अरे अरे, बारात जा रहे हैं आप मैम? हम तो बहुत खुश हैं, दो दिन है जैसे जैसे बीत जाए, हम तो चाहते हैं कि दिन अच्छा। दो दिन जाए, फिर उसके बाद हम जाना चाहते हैं। मैं तो सोच रहा था एक ही दिन पेपर करा दिया जाए, लेकिन क्या करे, दो दिन करा दिया गया। चलो कुछ दिन बन जाता, पार्टी वार्टी करते हैं हम लोग। लेकिन प्रकाश सर कोशिश किए। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए, आप भी दो शब्द बोलना चाहेंगे? इधर आप देख सकते हैं हमारे मैडम लोग भी पहुंच चुके हैं, बहुत ही टेंशन में है इधर, आओ, बहुत ही टेंशन में लग रहे हैं। कुछ बताइए दो तीन शब्द। और इधर पेपर के लिए सब लोग एक्साइटेड, यहाँ पर बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं, देख सकते हैं। महिला मंडल को दिखाइए थोड़ा इधर, दो तीन शब्द इसमें बोल दीजिए थोड़ा सा पेपर के लिए। लगता है सब बाइबल में बोला जाएगा। कैसे भाई रोशन? सब बोलिए बोलिए, ये मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा, बहुत दिन बाद आए, पढ़ के आए होंगे। चलो ठीक है, इधर अभी दो तीन शब्द नहीं मिल रहे हैं, इधर चलते हैं। मित्र बंधु सर लोग मैडम लोग सभी इधर हैं। हाँ हाँ भाई, सब लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर पेपर दिलाने के लिए। कैसे सर जी, कितना एक्साइटेड है बताइए पेपर के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक दिन में एक पेपर कराना चाहिए कि दो पेपर? दोनों को जाना चाहिए। अच्छा, इधर और कुछ बोलना है? मत बोलिए मैडम। शेर लोग पहुंच चुके हैं, रवि भाई यहाँ पर एकदम मस्त हीरो लग रहे हैं, बताओ यार। कुछ नहीं, भी सब बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आओ भाई प्रेम, यहाँ पर एकदम डिस्कस चल रहा है यार, क्या ही बोले। अरे यार, हाँ भाई, चलो यार अच्छे से पेपर देना अपने को। और यहाँ पर हमारे सर लोग भी हैं ये। और सर जी बताइए, आज पेपर है उस पर क्या बताया सर? पिछली बार हुआ था रावे का। अच्छा, रावे का हुआ था, जबरदस्त बताए थे हम लोग, वो नंबर भी जबरदस्त मिला था, 90-95। हाँ, इस बार भी अपने तरफ से फुल तैयारी में, फुल तैयारी है एकदम, फुल बनाएंगे, रिटर्न का एग्जाम होगा, फिर रिटर्न फिर से 90-95 मिलेगा, फिर तो आराम से 90+ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा इधर देख लेते हैं। बहुत दिनों बाद अपने फोर्थ ईयर क्लासरूम में आए हम लोग। गाइस अपना फोर्थ ईयर रूम, वाह। हेलो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कुछ ही टाइम में अभी एग्जाम चालू हो जाएगा फिर। और यहाँ पर हमारे रूफान भाई आ चुके हैं। यही उम्र है गाइस पढ़ने लिखने की। बीएससी के बाद क्या करोगे? एमएससी बताते हैं हम। हाँ ठीक 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 ठीक, तो फोर्थ ईयर अभी इतने अभी लोग आ चुके हैं, अभी कुछ ही लोग अभी आए गाइस, अभी और भरना बाकी है यहाँ पर।
ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहे हैं, देखिए। हाँ देखिए राजा जी, कैसा नंबर मिल रहा है बताओ नीतू। बहुत अच्छा नंबर मिला है मेरे को, मैं टॉप करूंगी पीछे। अरे अरे अरे, और पूजा मैं क्या बताऊं, मैं पास हो इतना काफी है मेरे लिए। और मैम बहुत अच्छा लगा, एग्जाम था पार्टिकल चल का। अच्छा अच्छा, बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा नंबर दिए। बहुत स्ट्रिक्ट सर लग रहे थे लेकिन ऐसे थे नहीं, मजा आ गया। और गोरा मैम, अपने बच्चों का नाम ऐसे ना रखे, मेरी बहुत ही अरे अरे पहले में आ जाता है, बहुत तकलीफ होता है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ होता है क्योंकि सर बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो वार्ड लगा दीजिए। ठीक है, सब लोग का चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। ठीक है चलते हैं। ठीक है मैं भी चलता हूँ। गाइस आज का अपना वाइवा खत्म हो चुका है, यहाँ पर हमारे दोस्त लोग भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वाइवा देने वाले पहले खिलाड़ी लोग, हमारे भाई लोग। सबसे पहले काम बढ़िया करो, सर को खुश रखो, सर खुश है मतलब तुम खुश। अच्छा अच्छा, कहानी अपने हिसाब से बनाओ, कहानी बनाओ और नंबर ले जाओ, नंबर ले जाओ। ठीक ठीक, कैसे भाई वीर, कैसे गया? ठीक, स्कीम किसी को बताने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक ठीक, गुप्त रखना हमारे कॉलेज। और इधर प्रमोद भाई आ चुके हैं, सब स्कीम बता दे कितना कितना नंबर आया। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे नीतू बता चुकी है, बहुत खुश है नीतू आजकल, बहुत खुश है नीतू। और इधर बाकी लोग आ चुके हैं, बहुत नंबर ले लिए हैं लोग, बहुत बहुत वाइवा देते हैं। कैसे वही तो बोल रहे हैं, एकदम इंग्लिश मार दिए पूरा। अरे 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 अरे, बहुत अच्छे दिखते हैं। चलो ठीक है, इसी बात पर सबको एकदम 70-80 नंबर मिल जाए, एक बार 85 तक, ठीक कि 90 चाहिए। ठीक ठीक, चलो ठीक है, मेरे को दे दे तो अच्छा है। ठीक है मैं भी चलता हूँ अब, रुको जरा सबर करो। अच्छा आज का पेपर तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा था, कैसे यार प्रेम, एकदम मजा आ गया यार पेपर देख के। तो ऐसे तो लग रहा है और सभी को अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे यार, है ना? मिलेगा, ही पहुंच जाएगा 90-95 वैसे भी तो नंबर क्या बोलते हैं, फिक्स रहता है, फिक्स रहता है नंबर, फिक्स रहता है जो अच्छे बंदे लोग हैं। फिक्स था, फिक्स था। अच्छा ठीक ठीक ठीक, एग्जाम से पहले ही। अब बताओ यार, अब कुछ दिन के हम मेहमान बचे हैं, कुछ ही दिन मतलब एक दो कुछ ही घंटों के, कुछ ही घंटों के, अच्छी बात है, कुछ दिनों और एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। क्या लगाएगा, डीजे लगवाएंगे यार। अब बताओ यार क्या प्रोग्राम है आगे, क्या करना है, पेपर खत्म होगा उसके लास्ट दिन कैसे क्या करना है लास्ट दिन? कुछ नहीं, दिख तो नहीं रहा कुछ भी। अच्छा तो फिर बोरिया बिस्तर बांधो, घर निकलो। हाँ ठीक है, बोरिया बिस्तर बांधेंगे। और कुछ कुछ इवेंट कराने वाले सोचे थे यार, उसका क्या प्रोग्राम? वो तो सब फर्जी हो गया है, कोई काम का नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जैसे कोई कौन सा इवेंट? अरे वही अपना सिग्नेचर डे, वो सब जो रहता पार्टी वार्टी, है ना? ठीक है, अपने अड्डे पर पहुंच चुके हैं यार, अपना हॉस्टल पे अभी एंट्री हो गया, एंट्री मार दी यहाँ हॉस्टल में। चलते हैं, खाना वाना खाएंगे, है ना, पानी भी पियेंगे, टेंशन मत लो। कैसे यार, हमारे लौंडे लोग पहुंच गए, सब अच्छा अच्छा नंबर पाए हैं, ठीक है सब पास हैं। क्या छुपा रहे हो सर जी, बताइए कैसा रहा सर जी? नहीं ठीक नहीं। अब बताया सुनेश, एकदम स्पेशल, चले तो नहाने, नहा डाले गेस्ट डैम जावे, ओ चलो ठीक है गाइस, आज का माहौल यही तक था, अब कल के एग्जाम में देखते हैं। ठीक है अभी के लिए बाय बाय।